हेलो गर्ल्स. सो गर्ल्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस. तो सबसे पहले पहले हम डिफाइन करेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, और फिर उनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? इफ़ एक्स इज़ एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, वी डिफाइन साइन एच एक्स. अगर आप देखो क्या लिखा है, SINHX, तो इसको कैसे हम रीड करेंगे? टू बी रेड एज हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स. तो मतलब साइन के बाद आप एक एच लगाओगे तो ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा, और इसको हम रीड करते हैं हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स. और इसको लिखेंगे कैसे? इट इज़ इक्वल टू, क्या वैल्यू होती है हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स की? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई टू. फिर नेक्स्ट है कॉश x, मीन्स COSHX. तो ये क्या है? हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x. तो ये होगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई टू. फिर टैन HX, तो ये क्या है? हाइपरबोलिक टैन ऑफ एक्स. तो हाइपरबोलिक टैन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? ये वैसे ही है जैसे टैन एक्स होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है. तो टैन एच एक्स किसके इक्वल है? मतलब हाइपरबोलिक टैन एक्स किसके इक्वल है? इट इज़ हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपरबोलिक कॉस एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स. तो ये किसके इक्वल हुआ? अब आप ये वैल्यूज डालो. हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू. और हाइपरबोलिक कोसाइन एक्स क्या है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू. तो इसकी वैल्यूज डालो तो टैन एच एक्स क्या निकल आया? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स. फिर सीकेंट एच एक्स, तो सीकेंट एच एक्स क्या है? इट इज़ वन अपॉन कॉश एच एक्स. तो क्या हुआ? मतलब बेसिकली क्या है? हाइपरबोलिक सीकेंट ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स. तो अब आपको ये भी पता है सीकेंट एक्स क्या होता है, वन बाय कॉस एक्स. तो ये उसी तरह से है. तो ये अब आपने हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स की वैल्यू डाली तो ये क्या बन गया? तो हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया? टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स. फिर नेक्स्ट है हाइपरबोलिक कोसीकेंट एक्स, तो ये किसके इक्वल है? वन अपॉन हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स के. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टू अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. ऊपर से वैल्यू डाली किसकी? हाइपरबोलिक साइन एक्स की. और फिर लास्ट है करते हैं, कौन सा बचा? हाइपरबोलिक कॉट एक्स. तो हाइपरबोलिक कॉट एक्स किसके इक्वल है? इट इज हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. फिर नेक्स्ट करोलरी है. तो ये बेसिकली अगर आप देखो ये फंक्शंस वही हैं जो हमने साइन कोसाइन टैन सीकेंट कॉट कोसीकेंट ये सब पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो वैसे ही सिमिलर हैं उससे. तो अब नेक्स्ट है कोरोलरी हाइपरबोलिक साइन ज़ीरो. तो हाइपरबोलिक साइन ऑफ ज़ीरो ये किसके इक्वल होगा? अब आप क्या करो, जो हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू. तो एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया? ज़ीरो. तो क्या बना? ई की पावर ज़ीरो माइनस ई की पावर माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टू. तो ये क्या आ गया? वन माइनस वन बाई टू विच इज़ ज़ीरो.
फिर नेक्स्ट है हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ जीरो, तो ये किसके इक्वल होगा? फिर हमें पता है कि हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो अब एक्स को जीरो डाल दिया तो क्या आया, ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर माइनस जीरो डिवाइड बाई टू विच इज़ वन प्लस वन बाई टू विच इज़ वन। फिर नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं, प्रूव दैट हाइपरबोलिक साइन एक्स इट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो फर्स्ट पहले प्रूव करते हैं हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो हाइपरबोलिक साइन एक्स की क्या डेफिनेशन होती है, हमने अभी ऊपर पढ़ा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो अब हमें लेकिन ये पता है ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, वो यहाँ ये लिखी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन ये आपने पढ़ी भी होगी पहले। तो e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस x फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस x फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये होती है e की पावर x की एक्सपेंशन। और e की पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, आप इसी में x को क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स से। तो क्या बनेगा, यही जो e की पावर x लिखा है, e की पावर x क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, यही लिखा है। इसमें अब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये क्या बना, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो। ठीक है, तो ये बना। तो अब हमने क्या किया, हाइपरबोलिक साइन एक्स में ये वैल्यूज ये डाली हैं वैल्यूज, तो ये क्या बना, वन बाई टू ऑफ ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो ऑन माइनस क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में फिर ई की पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन जो अभी हमने डिस्कस करी है वो है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये किसके इक्वल आया, अब आप देखो कैंसिल करो, वन 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 कैंसिल हो गया और बाकी एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये बचा है, दिस इज इक्वल टू वन बाय टू टू एक्स प्लस 2x cube by 3 factorial plus 2x 5 by 5 factorial plus so on. तो ये बना, this is equal to x plus x cube by 3 factorial plus x 5 by 5, x 5, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये
इसमें प्रॉब्लम है, देर इज़ अ एरर, ये इसको करेक्ट कर लेना. दिस इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाय 5 फैक्टोरियल, ये राइट हैंड साइड. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोलिक कॉस एक्स. तो अब हाइपरबोलिक कॉस एक्स के लिए हमें पता है क्या होता है हाइपरबोलिक कॉस एक्स, इट इज 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स. अब ई की पावर एक्स किसके इक्वल हुआ, अब ई की पावर एक्स किसके इक्वल हुआ, ई की पावर एक्स हमें पता है अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इट इज़ 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस ई की पावर माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हुआ, इट इज़ 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो दिस इज इक्वल टू, अब ऐड हुए तो ये बन गया 1/2 प्लस 2 × x² / 2 फैक्टोरियल प्लस 2x² / 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो ये बना 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x² / 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया. ठीक है, उसके बाद ये आपकी आर्टिकल कंप्लीट हुआ इसका प्रूफ. अब नेक्स्ट है आर्टिकल फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस. ठीक है, तो अब सर्कुलर फंक्शंस क्या हुए, सर्कुलर फंक्शंस बेसिकली हुए जैसे कि साइन आयोटा एक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो आ रही हैं आई, ये इनको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस, जैसे साइन आयोटा एक्स, कॉस आयोटा एक्स, टैन आयोटा एक्स, सीकेंट आयोटा एक्स, कोसीकेंट आयोटा एक्स, इनको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस. और हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं वो हमने अभी डिस्कस की. अब कैसे करेंगे इसको, तो ये बहुत इजी प्रूफ है इसका. हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा लिखेंगे. अब आप देखो मैंने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये अब आपने अपना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा. ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस में तो फर्स्ट चैप्टर में ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या है, ये यहाँ पे लिखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, विच इज इम्प्लाइज e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा. तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. तो ये अब इक्वेशन नंबर 1 है e की पावर आयोटा थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 है e की पावर माइनस आयोटा थीटा इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. अब एडिंग 1 and 2 हमें क्या मिला, साइन थीटा. एंड एडिंग 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 से हमें मिलेगा कॉस थीटा की वैल्यू और सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 से हमें मिलेगी साइन थीटा की वैल्यू. तो वही यहाँ लिखी हुई है, साइन थीटा की क्या वैल्यू है, 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा. साइन थीटा क्या है, 1/2 आयोटा ई की पावर 1 आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा. अब हम क्या करेंगे इसमें, अब
अभी मैंने आपको बताया सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं, साइन ऑफ आयोटा एक्स. तो हमने क्या किया, थीटा की जगह आयोटा एक्स डाल दिया. तो पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, तो ये थ्रू आउट डाला, तो क्या बना, साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स, विच इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ई की पावर माइनस एक्स. आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स. तो अब इसको हमने रीराइट किया. कैसे रीराइट किया, अब आप देखो हम इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन बनाना चाहते हैं. अब हमारे पास हाइपरबोलिक साइन एक्स की क्या वैल्यू होती है, हाइपरबोलिक साइन एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू. और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स पहले है और ई की पावर एक्स बाद में है. तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम अब इसकी ट्रिक है कि हम इसको कोशिश करेंगे ई की पावर एक्स को पहले पॉजिटिव लाने के लिए. तो हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया. तो ये क्या बना, आयोटा अपॉन टू आयोटा स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन. अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, वो हमने ब्रैकेट में ले गए और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो इंटरचेंज कर दी. तो ये क्या बना, 1/2 आयोटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस वन से जब मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो ये क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. तो दिस इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. और ये क्या वैल्यू होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स. तो आप देख रहे हो, तो साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल आया, आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स के इक्वल आया. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉस थीटा. अब कॉस हम अब रिलेट करेंगे कॉस आयोटा एक्स को किसके साथ, हाइपरबोलिक कॉस एक्स के साथ. ठीक है, तो इसलिए कॉस थीटा लिखा. फिर से कॉस थीटा क्या होता है, अभी ये दो इक्वेशंस जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं पेन से, तो ऐड किया इनको, तो कॉस थीटा क्या आ गया, 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा. तो थीटा को क्या डाला, आयोटा एक्स डाला. थीटा को आयोटा एक्स डाला तो क्या बना, कॉस आयोटा एक्स इट इज़ इक्वल टू 1/2 ई की पावर आयोटा स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स आएगा. फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो. यहाँ पे आयोटा क्यूब लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो इट इज़ 1/2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स. तो ये बना, दिस इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स. सो दैट मीन्स ये क्या है, ऊपर से देखो डेफिनेशन फिर से, ये है हाइपरबोलिक कॉस एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू. ठीक है, तो ये वैल्यू डाली यहाँ पे, तो cos iota x किसके इक्वल है, हाइपरबोलिक cos x के इक्वल. और फिर उसके बाद ये क्या बन गया, कॉस आयोटा एक्स इट इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस एक्स. नेक्स्ट है टैन आयोटा एक्स. अब टैन आयोटा एक्स कैसे करोगे, अब टैन आयोटा एक्स निकालना है, उसको रिलेट करना है हाइपरबोलिक टैन एक्स से. तो टैन आयोटा एक्स किसके इक्वल है, साइन आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस आयोटा एक्स.
तो अब साइन आयोटा एक्स क्या है? अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट से किया, इट इज़ आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस आयोटा एक्स, किसके इक्वल है सेकेंड पार्ट से? हाइपरबोलिक कॉस एक्स। तो किसके इक्वल हुआ? आयोटा हाइपरबोलिक टैन एक्स के इक्वल हुआ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कॉट आयोटा एक्स। अब कॉट आयोटा एक्स क्या होता है? कॉस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय साइन आयोटा एक्स। अब कॉस आयोटा एक्स क्या है? हाइपरबोलिक कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन आयोटा एक्स क्या है? हाइपर आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स, विच इज़ इक्वल टू, अब ये सॉल्व किया आयोटा से, आयोटा को ऊपर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना, नीचे नहीं रखेंगे आयोटा को, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बना आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक कॉट एक्स। तो आयोटा स्क्वायर क्या है? माइनस वन, तो ये बन गया माइनस आयोटा हाइपरबोलिक कॉट एक्स। फिर नेक्स्ट है सीकेंड आयोटा एक्स। अब सीकेंड आयोटा एक्स और कोसीकेंड आयोटा एक्स ये अब आप खुद करोगे, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, दिया हुआ जस्ट वन लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल प्रूव द फंडामेंटल फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो दिए हुए हैं, हमने इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल फॉर्मूलाज में सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? हाइपरबोलिक कॉस एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? हाइपरबोलिक सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस हाइपरबोलिक टैन स्क्वायर एक्स इट इज़ इक्वल टू वन। और थर्ड फॉर्मूला क्या है? हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक कोसीकेंट स्क्वायर एक्स इट इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो पहले हम इन पार्ट्स का, तीनों का प्रूफ देखते हैं। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है हमें? हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स। ये सब्सटीट्यूट करी ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। यहाँ पे ये ना एरर है, काफ़ी मिस्टेक्स हैं यहाँ बुक में, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आना चाहिए। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो ये बना, इसको ओपन किया आपने, अब ये ओपन किया तो अब ये देखो ये वन बना। ठीक है, अब इसका एक और वे भी है करने का। एक और वे क्या है? वो ये है कि आपको, हमें ये पता है, अब इस हम जो पिछले आर्टिकल्स हैं वो यूज करेंगे इसमें। ध्यान से देखो, ये बहुत इजी है। अनदर मेथड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन, ये हमें पता है। अब आप थीटा को किससे रिप्लेस करो? आयोटा एक्स से। तो क्या बना? साइन स्क्वायर आयोटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर आयोटा एक्स क्या हो गया? वन। अब साइन स्क्वायर आयोटा एक्स क्या है? आपको पता है साइन आयोटा एक्स क्या है, अभी हमने किया है। साइन आयोटा एक्स क्या है? इट इज आयोटा हाइपरबोलिक साइन एक्स। और कॉस आयोटा एक्स क्या है? हाइपरबोलिक कॉस एक्स। तो ये वैल्यू डाली तो ये बना आयोटा साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये सॉल्व किया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। तो अब आप देखो ये अपने आप आ गया हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। इसी तरह से बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में